पंजाब के किसानों की दिल्ली कूच की घोषणा को देखते हुए हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और सिंघू बॉर्डर पर 40 लेयर बैरिकेडिंग की गई। सड़कों को गहरा खोद दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस समेत अन्य सभी जिलों की सीमाओं में करीब 5,000 पुलिसकर्मी और 2,000 अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस किसान संगठनों पर भी कड़ी नजर रख रही है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। यहां 30 से ज्यादा सुरक्षा कंपनियां तैनात की गई है। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 2 विशेष ड्रोन से किसानों पर नजर रखी जा रही है। करनाल में लोहे, सीमेंट और कंटेनरों की कुल 13 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। चंडीगढ़ से दिल्ली लेन पर अधिक इंतजाम है। पुलिस की 4 और अर्धसैनिक बलों की 3 टुकड़ी तैनात की गई है। पुलिस की 4 टुकड़ी रिजर्व भी रखी गई है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा पुल पर दोनों ओर अवरोधक लगा दिए गए हैं। यहां दोनों लेनों पर 16 लेयर बैरिकेड लगाए गए हैं। सड़कों पर लोहे की कील की चादर बिछाई गई है। नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। ट्यूकर में पटियाला बॉर्डर पर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कैथल बॉर्डर पर मंगलवार को किसान नहीं पहुंचे, लेकिन जवान तैनात कर दिए गए। जींद में किसान कम है। यहां 700 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं।